इस चुनाव आयोग की जो ये भ्रष्टाचार है और मतहरण करने की जो प्रक्रिया चल रही है, पूरी भारत सरकार की चुनाव को कंट्रोल करने वाली एजेंसी ऐसा लगता है कि पूरा पंगू हो चुकी है। उसका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, उसका पूरा सिस्टम डेमोलिश हो चुका है। ईवीएम बैन, ईवीएम बाइकट। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस देश का यह है कि जिस पर हम नाच किया करते थे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का दावा करते थे, वो आज उसमें से अधिकांश मीडिया बिक चुकी है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया और पेड मीडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन आप उन लोगों की श्रेणी में नहीं हो, इसलिए हमारे समक्ष आप उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि आप वास्तव में जमीन की रिपोर्टिंग करते हैं और जमीनी जो सच्चाई है वो जनता तक पहुंचाने का दुर्लभ कार्य कर रहे हैं। तो इस बात के लिए आप लोगों को हमारा हार्दिक धन्यवाद। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है और मैं भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं। मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता भी हूं। अभी तक मैंने 7000 से ऊपर आरटीआई फाइल की है विगत 13 वर्षों में। इसी आरटीआई की यात्रा के दौरान मैंने चुनाव आयोग पर भी कुछ एक आरटीआई लगाई थी पिछले वर्षों में, और वो आरटीआई का जो विषय था वो था ईवीएम से संबंधित। वो था कि मैंने चुनाव आयोग से ये आंकड़े मैंने मांगे थे सूचना के अधिकार के तहत कि वास्तव में आपके पास 5 साल में कितने ईवीएम गायब हुए और कितने ईवीएम चुनाव आयोग ने खरीदे। इन 5 साल में कितने ईवीएम आपने खरीदा, वो ईवीएम खरीदने वाली जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, उसके कितने कोटेशन आपको प्राप्त हुए, आपने कितना का भुगतान किया। तो पहला प्रश्न हमारा उस चीज से संबंधित था, यानी कि ईवीएम की खरीदारी से संबंधित। दूसरा, मैंने ईवीएम की गायब होने से संबंधित जानकारी मांगी थी। और तीसरा, ईवीएम के लूट से संबंधित जानकारी मांगी थी। यानी आप तो जानते हैं कि हमारे देश में बहुत जगह लूट तंत्र भी चल रहा है, और जब बैलेट से भी चुनाव होता था तो उसमें लोग रंग डाल देते थे, स्याही फेंक देते थे, उसको तालाब में फेंक देते थे, या दबंग लोग उठा करके ले जाते थे जो उनके फेवरेबल एरिया में नहीं होता था। तो बाद में ईवीएम आई, लेकिन ईवीएम के आज पारदर्शिता के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, और उस खड़ा होने का मजबूत कारण भी है। आज हम इंटरनेट की इस दुनिया में जी रहे हैं, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सब कुछ हाईटेक हो चुका है, तो स्वाभाविक है जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो ईवीएम उसी कड़ी में आया। लेकिन मशीन कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, एक रोबोट कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य का जो दिमाग है वो इतना बुद्धिमान है कि उस रिमोट को पूरा कंट्रोल करता है, उस रोबोट को भी कंट्रोल करता है, और ये सब आप लोग जानते हैं। मैं आपके सामने में कुछ दुर्लभ सच्चाइयां प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग गूगल सर्च पे चुनाव आयोग की वेबसाइट का आज अवलोकन करिएगा। उससे रिलेटेड आज एक इतनी चौंकाने वाली बात आज आपको बताने जा रहा हूं जो अभी तक मीडिया का वो इश्यू नहीं बना। वो क्यों नहीं बना, इसकी खोज खबर तो लेना आप लोगों का काम है। आप लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे मेरी इस जानकारी के बाद, तो ये मैं खुलासा करना चाहता हूं। और वो खुलासा ये है कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जब आप सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जिस इश्यू पर आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो आज का सबसे रेलेवेंट इश्यू है, उस विषय पर सबसे जो प्रमुख कीवर्ड है, सबसे प्रमुख जो जानकारी है, जो आज जनता की जिज्ञासा का प्रमुख कारण है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उससे रिलेटेड सामान्य प्रश्नोत्तर जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर होना चाहिए। जब आप उसकी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक एरर शो करेगा, और वो एरर में लिखा रहा है
आप जिस पृष्ठ की तलाश कर रहे हैं वह नहीं मिला है। अब बताइए कि आखिर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, चुनाव आयोग कर क्या रहा है, उसका हाईटेक प्रोसेस क्या है, उसके टेक्निकल इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, उसका आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पूरे भारत सरकार की चुनाव को कंट्रोल करने वाली एजेंसी ऐसा लगता है कि पूरा पंगू हो चुकी है, उसका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, उसका पूरा सिस्टम डेमोलिश हो चुका है। यह बात मैं जो कर रहा हूं इसके पर्याप्त आधार। अब मैं कुछ मुहावरे आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, लेकिन उस मुहावरे का सीधा चुनाव आयोग से संबंध है, उस घटना से। मैं गांव का रहने वाला हूं, बिहार के दरभंगा का रहने वाला हूं, जैसे तैसे दिल्ली में संघर्ष करने आ गया। और हमारे बिहार में एक कहावत था, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप लोगों ने भी सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहावत तो बड़ा लोकप्रिय है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तिनका का क्या संबंध है मैं चुनाव आयोग से, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर तिनका को भाई साहब आपने पकड़ लिया ना, तो चोर पकड़ में आ जाएगा। तिनका को अगर पकड़ लिया तो चोर पकड़ में आ जाएगा। और उसी तिनका को पकड़ने का काम मेरे जैसा एक मामूली जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसने किया, और इस तरह से उसकी जो आत्मा है वो ईवीएम में बसी हुई है। चुनाव आयोग की आत्मा वो ईवीएम में बसी हुई है। तो जिस तरह से रावण की जो वध हुआ था, श्रीराम ने किया था, तो उसके नाभि में जब विभीषण ने उसको कान में फूका कि इनकी प्राण तो यहां पर है इनके नाभि में, तो नाभि में जब तक आप निशाना नहीं मारिएगा तब तक रावण का वध नहीं हो सकता। ये आप लोग रामायण के अगर चौपाइयां पढ़े होंगे, सीरियल देखे होंगे, तो आप लोगों को निश्चित रूप से मालूम होगा। तो मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि वास्तव में चुनाव आयोग का जो प्राण है वो ईवीएम मशीन में केंद्रित हो गया है। अब ईवीएम के पीछे मैं कुछ तथ्य जो आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, हालांकि उसमें से अधिकांश आप लोग जानते होइएगा, आजकल गुरु गूगल हो गया है। वो तथ्य ये है कि जो ईवीएम की निर्माता कंपनी है, जो देश इस ईवीएम को बना रहा है, वो देश खुद उसका प्रयोग नहीं कर रहा। ये पहला आधार है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो निर्माता कंपनी है उस देश में ही ईवीएम का यूज नहीं हो रहा। ये विचारणीय बिंदु है। तो सबसे पहले तो बहस इस पर होना चाहिए। पार्लियामेंट में आज तक हमारे शासन के ऊपर में जो भी किसी भी पार्टी की सरकार रही, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार रही, चाहे वाजपेयी जी की सरकार रही, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, यूपीए गवर्नमेंट की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, मेरा प्रश्न चारों से, और इस चारों के संबंध में मैं एक शायरी से आपकी अपनी बात को रखना चाहता हूं। कैसे सुलझेगी हालात की गुत्थी लोगों, कैसे सुलझेगी हालात की गुत्थी लोगों, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। वास्तव में लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन पद्धति होती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के ऊपर में ऑक्टोपस की तरह, डायनासोर की तरह पूरा शिकंजे में ले लिया है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने। हमारे इस लोकतंत्र में कब पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा दबंगई हो गया, कैसे वो मधरण करने लगे, कैसे इतने पावरफुल हो गए कि उसके आगे जनता जो है बेबस हो गई, ये हम लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन ये देश वीरों की भूमि है, ये देश बुद्धिमानों की भूमि है, ये देश विद्वानों की भूमि है, ये देश ऋषि मुनियों की भूमि है। मैं अपने आप को विद्वान तो नहीं मानता, लेकिन मैं जिद्दी और जुनूनी व्यक्ति हूं। जिस किसी के पीछे पड़ता हूं तो फिर उसका पीछा तक छोड़ता हूं। और मैं इसी संकल्पना के साथ 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा था, इसलिए कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कटोरा लेके भीख मांगते हैं। मैं इस बयान से इतना आहत हुआ था कि उनको चुनौती देने के लिए मैं अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं वहां चुनाव लड़ने के लिए चला गया था। ठीक उसी तरह की चुनौती अब मैं इस वर्तमान राजनीतिक परिक्षेत्र में, मैं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं वाराणसी की धरती पर नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने के लिए इस लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहा हूं। क्योंकि मेरी परिभाषा के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अगर बड़ा हत्यारा अगर कहा जाएगा तो उस सूची में नरेंद्र मोदी जी का नाम सबसे ऊपर में लिखा जाएगा। अब आप लोगों की जिज्ञासा होगी कि इतना बड़ा आरोप मैंने क्यों लगाया।
तो इसके पर्याप्त कारण है। इसके पर्याप्त यह कारण है कि किसी भी लोकतंत्र में आप कोई भी चीज जो लागू करते हैं तो सबसे पहले जनता की क्या अपेक्षाएं हैं उनको जानना सर्वोपरि होता है। जनता मालिक है, तो जनता जब मालिक है तो क्या आपने उसका संरक्षण कराया? जो उनके एक्सपर्ट थे क्या उनकी एक्सपर्ट रिपोर्ट ली गई? क्या उसके लिए आपने विपक्षी दलों के साथ मीटिंग की? अगर मीटिंग की तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके मिनट्स हैं, वो होने चाहिए। तो इस तरह की आरटीआई जब मैंने लगाई तो उसका आंसर सिफर था, यानी चुनाव आयोग ने हाथ खड़ा कर दिया। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, सी के ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब बने मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो उप मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उस वक्त एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इस नाम की संस्था ने, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म के ऊपर में काम करती है, उसका एक अधिवेशन जयपुर में हुआ। अरुणा राय जो एनएससी की मुख्य कोऑर्डिनेटर थी, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, तो उनकी उन्होंने प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के ऊपर में, और चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य वक्ता थे। उसी कार्यक्रम के दौरान मैं, चूंकि कार्यक्रम का इन्विटेशन मेरे पास भी था, तो मैं वो चुनाव आयोग पर जो मैंने आरटीआई लगाई थी ईवीएम के संबंध में, उस क्वेश्चन और आंसर को लेके मैं वहां पहुंचा था, और सार्वजनिक मंच से मैंने चुनौती दी थी चुनाव आयोग को। जब वो अपना कासीदा गिरी कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि चुनाव आयोग इतना पारदर्शी है, भ्रष्टाचार मुक्त है, बहुत बढ़िया काम करता है, लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इन सारे चीजों को मैंने काउंटर किया और उनको तुरंत लहराते हुए मैंने दिखाया। जब मैंने ये दिखाया कि देखिए यही उत्तर दिया था भाई साहब आपने, और इस तरह से आपने ईवीएम के संबंध में कोई मुझे आंसर नहीं दी, और इसका मुझे पता चला आपकी जवाब से कि आप ईवीएम के रिकॉर्ड को भी नहीं रखना चाहते, व्हाई, इसका कारण क्या है? जबकि जब आपका पारदर्शी कोई व्यवस्था है तो मैं तो तब मानूंगा ना जब उसके रिकॉर्ड को आप रखेंगे। हम कम से कम 10 साल तक कोई भी रिकॉर्ड मांगने के हकदार हैं, आरटीआई एक्ट 20 की परमिशन देता है, हमारा साक्ष्य अधिनियम है उसको भी इसका परमिशन है, तो इस तरह से जब आप रिकॉर्ड ही नहीं देंगे तो उस अधिनियम का इंपॉर्टेंस क्या रह गया? तो इस तरह से अभी देखिए आरटीआई एक्ट आया, आरटीआई एक्ट की हत्या करने के उद्देश्य से अमित शाह जी ने एक नया कानून लाया, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। उस डेटा प्रोटेक्शन बिल में यह प्रावधान है कि आप कोई डेटा मांग ही नहीं सकते, यानी चुनाव आयोग का भी हम डेटा नहीं मांग सकते, हम ईवीएम का डेटा नहीं मांग सकते, तो हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसीलिए मैंने आपको कहा कैसे सुलझेगी हालात की बुद्धि लोगों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक और जो चंद्रशेखर जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हमारे दरभंगा आए थे, उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर में, लोकतंत्र की रक्षा, पारदर्शिता की रक्षा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एक शेर सुनाया था, जो आप लोगों को मैं साझा करना चाहता हूं, वो भी इस शासन व्यवस्था की चूल्हे हिला देने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि हमारी भावना उनकी भावना का सम्मान करती है, इसलिए आप लोगों के समक्ष मैं साझा करना चाहता हूं। वो शेर है, चमन को सी चिने में पत्तियां कुछ झर गई होंगी, चमन को सी चिने में पत्तियां कुछ झर गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर। चमन को सी चिने में पत्तियां कुछ झर गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर। लेकिन जो अपने ही हाथों बागवा को उजारा हो, वही दावा कर रहे हैं इस चमन के रहनुमाई का। तो मेरा तात्पर्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस जो दावा करती है कि हम राष्ट्र सर्वोपरि की हित की भावना से काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूं, मैं अमेठी का प्राथमिक मैंने किया था गोरखपुर से, उसी गोरखपुर से जहां के योगी आदित्यनाथ जी गोरखपीठ की सांसा है रहे हैं, मैं उसी गोरखपुर से मैंने प्राथमिक किया था। लेकिन आज मैं बिल्कुल समझ चुका हूं, मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है, और मुझे लगता है मुझे काशी विश्वनाथ जी ने, मुझे आध्यात्मिक शक्तियों ने इस बात के लिए प्रेरित किया है कि गोपाल जी अब आपको पारदर्शिता की रक्षा के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद करना है। इसलिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आरटीआई सेना, वो भारत की सैनिकों के समर्थन में इस पूरे देश में चुनाव आयोग की जो भ्रष्टाचार है और ईवीएम के द्वारा जो मतहरण जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का हम आगाज करते हैं।
मैं पूरे देश के युवाओं, पूरे देश के विद्यार्थियों, पूरे देश के व्यवसायियों, पूरे देश के मजदूरों, पूरे देश के एक्टिविस्टों से, पूरे देश की जनता से, पूरे देश की मातृशक्तियों से, देश के संतों से मैं आह्वान करता हूं कि आप सच को सच बोलिए, झूठ को झूठ बोलिए। और इस इतना बड़ा करप्शन, चूंकि जब एक भ्रष्ट व्यवस्था भ्रष्ट तरीके से अगर कोई चीज अगर शासन व्यवस्था में रहेगा तो वो भ्रष्टाचार ही बढ़ा सकता है, उससे लोकतंत्र की कोई रक्षा नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि हम देश की सेना के साथ और देश के किसानों के साथ जो ये संयुक्त गठबंधन बना है, भारतीय जवान किसान पार्टी, इस पार्टी को हर संभव पूरे देश के जो आरटीआई एक्टिविस्ट है यानी कलम के जो सैनिक है, एक तरफ हमारे साथ AK-47 वाले सैनिक है, दूसरी तरफ हमारे जैसे एक जो कलम के सैनिक है, इस दोनों सैनिकों ने यह प्रण कर लिया है कि एक नए संपूर्ण क्रांति का हम आगाज करेंगे और इसकी शुरुआत ईवीएम बैन, ईवीएम बाइकट और पुनः बैलेट से चुनाव या अन्य कोई पारदर्शी व्यवस्था जिस पर पूरे आम जनता का विश्वास हो, इस चीज के लिए आम सहमति बने और पहले इसकी घोषणा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। यह अभी सस्पेक्ट बना के रखे हुआ है, ईवीएम से संबंधित कोई जानकारी नहीं दे रहा, वेबसाइट पर भी आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके इसके लिए हमारे पूरे देश में लगभग 40 लाख जो सैनिक है, देश की 70% जनता किसान है, जो गांव में बसती है, पूरे किसानों ने और जवानों ने संकल्प कर लिया है इन एक्टिविस्टों के साथ, संतों की प्रेरणा से, हमारे राष्ट्रीय जो मार्गदर्शक हैं, हमारे इनके भाई शहीद रहे हैं, ये हमारे बुंदेलखंड से आते हैं, परिव्राजक स्वामी दयाशंकर जी दास, तो इनका मैं शिष्य हूं और इनके मार्गदर्शन में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में अलग जगाने के लिए पूरे देश भर की यात्रा करते रहते हैं। तो इस चुनाव आयोग की जो ये भ्रष्टाचार है और मत हरण करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें सजग प्रहरियों को जगाने के लिए इन्होंने कसम खाया है। इसके लिए आगामी आने वाले समय में पूरे भारत के भ्रमण करने का, पद यात्रा का, ज्ञापन देने का, धरना का, प्रदर्शन का हम जोरदार कार्यक्रम की अनाउंसमेंट अति शीघ्र करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं।